और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद कोई दिक्कत, जब भी उचित समय आएगा। मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। वाइको जी ने कहा कासा वो बन जाएगा कश्मीर, वाइको जी आश्वस्त रहिए, कुछ कासा वो नहीं हो जाएगा, ये स्वर्ग था है और रहने वाला, कासा वो नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत करिए। आपको वही करना है। सिवा ने कहा, श्रीमान सिवा ने कहा कि भाई ये बाकी सारे राज्यों के अंदर भी ये रूट आप लेंगे। मैं माननीय सदस्य सिवा जी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बाकी कोई राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है, ढेर सारे विभाजन आजादी के बाद हुए हैं, हमने भी करे, हमने उत्तराखंड बनाया, हमने झारखंड बनाया, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, आपने आंध्र और तेलंगाना बनाया, और मुझे इतने सारे सलाह देते हैं मान्यवर, मैं उनको आंध्र तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद कर याद करे कैसे करा था। मैं तो सिर्फ उस दिन बिल, आज बिल लाया और आज पारित करने का आग्रह किया, आपने आपके विशेषाधार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, कृपा हो गई आपकी, तो मैं बिल पास कर रहा हूं। आपने तो सार्जेंट से उठाकर सबको बाहर डाला, दरवाजे बंद करे, टीवी बंद करा, और उसके बाद में अंडरवर तेलंगाना बनाया था जो आज बने। तो हमें मत समझाइए कि किस तरह से होता है। मान्यवर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हजारों विधवा हुई हैं कश्मीर की 370 को बचाने के लिए, 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए कम विधवा हुए गुलाम नबी आजाद साहब, विधवाएं जरूर हुई हैं, 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए हुई हैं, मगर 370 के कारण। और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला, ये बरगरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको के अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं, तब जाकर मालूम पड़ेगा। मान्यवर बाद में फाइनल सॉल्यूशन के बारे में टिप्पणियां की, मगर मैं मानता हूं मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक सदस्य ने कहा था कि ये कश्मीर समस्या का फाइनल सॉल्यूशन है। मान्यवर समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं मान्यवर। और दूसरा चिदम्बरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया है चिदम्बर जी, 367 रेड विथ 371D है, आप एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी। मान्यवर मैं आज इस भाषण के अंदर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा मटीरियल है, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बैंक के बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने अपने तरीके से मन से करा है, मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मन के बगैर किया अधूरा करा है, सबने मन से करा है, मगर कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं ये जो दो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूं
मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा। मुझे विश्वास है माननीय, तो मैं सभी को कहता हूं कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करे, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करे और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। और ये सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफी सारी पार्टियां, आमतौर पर हमारे साथ मान्यवर जो पार्टियां नहीं रहती हैं ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन में भाषण करे, आप पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, वाईएसआरसीपी ने किया है, टीडीपी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने आज बीजेडी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए और सब लोग मानते हैं, एआईडीएमके ने भी किया, एआईडीएमके ने एआईडीएमके ने भी किया। और मान्यवर में जो नया जोड़ा उनका नाम ले रहे हैं भाई, अब पुराना है। मान्यवर और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूँ, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता का इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है तो आज जनता का विश्वास देखकर माननीय मेरा भी विश्वास बहुत बड़ा है। मैं तो पहले से मानता हूं कि 370 कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। और मुझे ये भी मालूम है अगर वोट बैंक की राजनीति करना कुछ पार्टियों ने चालू करा तो इसको चैलेंज कर और उसके रास्ते में हर्डल भी खड़े किए जाएंगे। सारे हर्डल को पार करते हुए माननीय ये दो संकल्प और एक जो बिल है वो तीनों, और चौथा रिजर्वेशन का बिल, ये तीनों बिल माननीय कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके गोलियां बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा, ऐसे कश्मीर की हम रचना करेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस दोनों संकल्पों का और बिल का दोनों आप समर्थन करिए और एक अच्छा मैसेज कश्मीर के अंदर हम डालिए। इतनी करबद्ध विनंती कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।